कैथल में नया बस स्टैंड और सिविल अस्पताल के बीच में सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। गैस पाइप लीक हो गया और लीक होने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल हो गया। आम जनमानस ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और थोड़ी देर के लिए आवाजाही को बंद किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी मौजूद रहे। घटना की जानकारी तुरंत कंपनी के कर्मचारियों को दी गई ताकि वो टेक्निकल दिक्कत या लीकेज को रोकने के लिए काम शुरू करे, जिसके बाद कंपनी के कर्मचारी वहां पहुंचे। सर, यहां पर क्या मामला है? गैस लीक होने का मामला सामने आया था। गैस की लीकेज थी, स्टाफ बुला लिया और गैस की लीकेज रोक दी। तो क्या सर सूचना दी है इनके द्वारा? क्या सूचना? अभी कोई सूचना नहीं, गैस की लीकेज की आई थी मेरे पास तो कंट्रोल रूम से, अपनी ERV 387 पहले आगे थे और अभी ये सूचना दी, स्टाफ वाले बुला लिए, इन्होंने गैस पीछे से पाइपलाइन बंद करके गैस रोक। अब सर फिलहाल स्थिति कैसी है? अब ठीक है, नॉर्मल गैस गैस पाइपलाइन जो लीकेज थी वो बंद कर दी और आगे के लिए इनको कह दिया चेक करते रहो और ध्यान रखो। तो इनकी तरफ से कोई आशंका भी जताई गई है जी? अभी अपने पास रिटर्न में कुछ नहीं है, अगर कोई आएगी उसका पता कर लेंगे। गनीमत रही है कि गैस लीक होने की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना अक्सर देखा जाता है कि गैस लीक होने की वजह से आग भी लग जाती है और लोगों की जान को खतरा भी बढ़ जाता है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।